शो दिया और बाती हम में चल रहा है मोहित मिस्ट्री का ड्रामा, जिससे पूरा राठी परिवार हैरान परेशान है। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है मोहित का कातिल। पर मोहित का कातिल एमिली लालिमा नहीं बल्कि कोई और है। फिलहाल शो में ये खुलासा हो चुका है कि मोहित का कत्ल किसी घर वाले ने ही किया है। जहां संध्या अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो वहीं दूसरी ओर घर वालों पर शक करने के कारण भाभो और सूरज के नाराजगी का शिकार भी हो रही है। सत्यदेव को एक फोन आएगा जो मोहित के कातिल का खुलासा करेगा, लेकिन उनका ये खुलासा भी गलत साबित होगा। अभी तक संध्या और सत्यदेव के शक के निशाने पर लालिमा और एमिली थे, पर कातिल तो कोई और ही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मोहित का कत्ल किसने किया है। मोहित का कत्ल उसकी अपनी बेटी परी ने ही किया है। परी ने अपनी माँ को और खुद को बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया। वेल, ये तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, साथ ही राठी परिवार के लिए एक झटका भी है। क्या संध्या परी को सजा दिलवा पाएगी, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। पर शॉकिंग ट्विस्ट से सीरियल बेहद इंटरेस्टिंग होगी।